नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। सुबह के बज गए हैं 9, वक्त हो चला है मॉर्निंग वॉइस का। खबरों की करते हैं शुरुआत। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, मां चंद्र घंटा की होती है पूजा। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है, सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है। तो नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और ऐसे में आज मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है और विधि विधान से पूजा की जा रही है। भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है और आज तीसरा दिन नवरात्रि का, आज चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा आराधना की जाती है लोगों के द्वारा। वही हरियाणा में वोटिंग जारी है। आज सभी 90 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। 20,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर वोटिंग की जा रही है। तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश में भाजपा। एक दशक के बाद कांग्रेस को सरकार में वापसी की उम्मीद है। हरियाणा में वोटिंग जारी है। बीजेपी की हैट्रिक या फिर कांग्रेस की होगी वापसी, देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि आज 2 करोड़ जनता हरियाणा के लिए भाग्य विधाता बनेगी। वोट डाले जा रहे हैं, 20,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरियाणा का चुनावी दंगल, अब देखना होगा कि किसका मंगल होगा। तो तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही थी, तो चुनावी दंगल में किसका मंगल होगा देखना बेहद दिलचस्प होगा। एक दशक के बाद कांग्रेस को सरकार में वापसी की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस इस बार हरियाणा में सत्ता में अपना दांव ठोक रही है। तो क्या इस बार चुनावी दंगल में जनता का जनादेश कांग्रेस पार्टी के लिए आता है या फिर बीजेपी के लिए, देखना बेहद अहम होगा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 10 साल का सूखा खत्म करने के लिए चुनावी दंगल में है और वहीं एक दशक तक बीजेपी हरियाणा में सरकार में रही और ऐसे में एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। तो हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी, 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। इस चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के विनेश फोगाटी वो अहम चेहरे हैं जिन पर सभी की निगाहें। तो आज जनता जनादेश देगी। 20,000 से ज्यादा वोटिंग बूथ बनाए गए हैं, पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो वही हरियाणा में चुनाव सुबह से ही जारी है। 90 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। वहीं इसको लेकर किसको क्या कहना है और क्या कुछ राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने कहा है, चलिए आपको सुनवाते। सारे बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, मात्र शक्ति से एक विनती करता हूं, बाहर आइए, वोट कीजिए। वोट 5-4 में एक बार आता है आपका, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारे लोकतंत्र में जो हम कर सकते। मैं तो, मेरी विनती आपसे है, आप कांग्रेस पार्टी के लिए वोट दीजिए, विकास के लिए वोट दीजिए, न्याय के लिए वोट दीजिए, सफाई और सुरक्षा के लिए वोट दीजिए। हरियाणा की किस्मत बदलेगी ये फाइट और ये कॉन्टेस्ट जो है। वैसे तो मैं कहूंगी कि एक तरफा मामला है हरियाणा में आज के दिन, और लोग दिखा भी रहे हैं क्योंकि वो खुद इतने कमजोर हैं। भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो ढूंढ रही है। लेकिन देखो, कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर, अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। लोकतंत्र की मजबूती में, हरियाणा प्रदेश के मजबूती के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा को विकसित हरियाणा, जिस गति से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में मजबूती से काम किया है, आने वाले समय के अंदर भी हम हरियाणा प्रदेश को तीव्र गति से आगे विकास में मामले में बढ़ाने का काम करेंगे। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, प्रदेश की मजबूती के लिए आप खुल करके मतदान करें और
विकास की गारंटी मोदी की और हमारी गारंटी है, कांग्रेस की कोई गारंटी नहीं है। आई रिक्वेस्ट एवरी सिटीजन टू गो आउट वोट, दिस इज द बिगेस्ट मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन दिस बिगेस्ट मूवमेंट आई थिंक एवरीबडीज वोट इज कॉमन एंड इन दिस वोट योर पावर टुडे विल मेक द फ्यूचर ऑफ द स्टेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो हरियाणा में चुनाव वोटिंग शुरू हो गई है और आज 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता भाग्य विधाता बनेंगे। ईवीएम में कैद किया जाएगा जनता का फैसला। तो जनता किसके चेहरे पर मुहर लगाती है, किसकी सरकार बनती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। हरियाणा का चुनावी दंगल अब किसका मंगल होगा, किसका राजनीतिक तिलक होगा, देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि आज 2 करोड़ की जनता 20,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर वोटिंग कर रही है। ईवीएम में जनप्रतिनिधियों की किस्मत कैद होती जा रही है। तो सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि हरियाणा में जहां एक तरफ कांग्रेस का ये मुद्दा रहा जवान किसान और पहलवान को लेकर कांग्रेस ने भाजपा को टारगेट किया, तो वहीं खर्ची पर्ची के साथ ही बीजेपी के द्वारा कांग्रेस को टारगेट किया गया। तो महिलाओं और बुजुर्गों को भी खासतौर पर बीजेपी पार्टी के द्वारा टारगेट किया जा रहा था। तो अब इसका असर क्या कुछ होता है, क्या जनता के बीच इसका असर हो पाता है और क्या कुछ जनता का जनादेश आता है, 8 अक्टूबर को देखना बेहद अहम होगा। तो हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है, 20,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 1,031 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। तो ईवीएम में इनकी किस्मत का फैसला आज जनता ले रही है। 5 साल अब कौन होगा सत्ता में, देखना बेहद अहम होगा। तो आपको बता दें कि मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली थी। राज्य में आज विधानसभा चुनाव में कुल 1,031 उम्मीदवार हैं जो चुनावी दंगल में हैं, ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुकाबला बहुकोणीय जरूर दिखा, लेकिन मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही अहम तौर पर देखा जा रहा है। 20,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, सुबह 7 बजे से ही मतदान किया जा रहा है, वोटिंग की जा रही है। तो सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान किए जा रहे हैं। हरियाणा में 2 करोड़ मतदाता है जो आज पार्टियों के किस्मत का फैसला लेंगे, ईवीएम में उनकी किस्मत का फैसला कैद करते हुए नजर आएंगे, जनप्रतिनिधियों के लिए फैसला लेते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ अपने लिए भी फैसला लेंगे कि उन्हें किस पर भरोसा है। क्योंकि बीजेपी जहां हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से 10 साल के सूखे को खत्म किया जा रहा है। अब क्या दोनों पार्टी में से कौन सी पार्टी कामयाब रहेगी, क्या बीजेपी हैट्रिक लगाने में कामयाब होती है, क्या कांग्रेस पार्टी 10 साल का सूखा खत्म करने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प है। आर पार का यह मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। तो सत्ताधारी दल यानी कि भाजपा राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने की जद्दोजहद कर रही थी और आज जनप्रतिनिधियों का फैसला, ईवीएम में कैद किया जाएगा, 2 करोड़ मतदाता आज भाग्य विधाता का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। तो तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी, वहीं कांग्रेस की तरफ से 10 साल के वनवास को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। कांग्रेस ने अहम मुद्दा चला पहलवान किसान और जवान, इसका जनता पर क्या कुछ असर होता है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों की तरफ से ताल ठोके जा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जलपान से पहले सभी मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं। और ये 5 तस्वीरें हैं, 5 अहम तस्वीरें, कुमारी सैलजा एक तस्वीरों में मतदान करती हुई नजर आ रही है। तो सभी के सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने सीट पर मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की जा रही है। ये तमाम तस्वीरें हैं मतदान की जो आज के दिन के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। मताधिकार का प्रयोग करते हुए जनप्रतिनिधि जनता के साथ साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि दावा सभी पार्टियों का बेहद अलग है, तो आप देख सकते हैं कुमारी सैलजा मतदान करती हुई नजर आ रही है। उनका बयान भी सामने आया कि भाजपा बेहद कमजोर हो गई है। मीडिया से बात जब उन्होंने किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा कमजोर हो गई और इस बार
एक तरफा चुनाव हो रहा है, यानी कि कांग्रेस इस बार जीत रही है, ये दावा कुमारी सैलजा का है। हालांकि जनता का जनादेश क्या आता है, 8 अक्टूबर को देखना अहम होगा। तो हरियाणा का चुनावी दंगल अब किसका राजनीतिक तिलक होगा, किसका मंगल होगा, 8 अक्टूबर को सारे पत्ते खुल जाएंगे। जनता का जनादेश क्या आता है ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन दावा बीजेपी पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है सरकार बनाने को लेकर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार किया जा रहा है। तो हरियाणा में वोटिंग लगातार जारी है, 2 करोड़ से अधिक मतदाता आज भाग्य विधाता की रोल में है और जनप्रतिनिधियों की किस्मत का फैसला करते हुए नजर आ रहे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी कश्मीर कंबोल सिरसा से जुड़ चुके हैं। कश्मीर, क्या कुछ इक्वेशन है सिरसा में, क्योंकि आज 90 विधानसभा सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। जी जी, अभी सुबह सुबह जैसे मतदान के लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं मतदान केंद्रों पे। अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले ही पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह जी अपने परिवार के साथ मतदान करके गए हैं, और उससे पहले हरियाणा के डिप्टी सीएम चौधरी दुष्यंत चौटाला जी भी ने अपने पिताजी परिवार के साथ धर्मपत्नी के साथ मतदान किया है। तो देखने को ये मिल रहा है कि मतदाताओं में भारी उत्साह है। बिल्कुल बिल्कुल कश्मीर, क्या कुछ जनता के मन में है, जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट डाल रही है? जी, जनता ये चाह रही है कि इस वक्त पूरा बदलाव हरियाणा में, पूरा बदलाव चाहिए, कांग्रेस सरकार चाहिए। बीजेपी से काफी नाखुश दिख रहे हैं, क्योंकि एक तो किसान आंदोलन में बहुत ज्यादा ही लोगों को भारी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल कश्मीर कंबोज, क्या कुछ वो वजह है जिससे जनता नाखुश है बीजेपी सरकार से, क्योंकि 10 साल एक दशक तक बीजेपी ने हरियाणा में राज किया है, तो ऐसे में आखिर नाराजगी क्यों? जी नाराजगी तो ये, एक तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में जैसे नशा पूरा पूरे चरम चौरों पे अपने रहा है, कोई नशे पे पूरी रोकथाम नहीं लगी, इस वजह से जनता में भारी नुकसान है। जैसे सिरसा में डबवाली को जिला पुलिस भी बनाया गया, लेकिन उससे नशे की कोई रोकथाम नहीं हुई जनता में, इस वजह से भारी एक तो रोष है कि नशे पे कोई कंट्रोल नहीं हुआ। जी तो एक यही मुद्दा है जिसको लेकर जनता के बीच नाराजगी है भाजपा सरकार को लेकर। तो एक इस बार सिरसा की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देती हुई नजर आ रही है। एक और अहम सवाल है, क्योंकि इस बार बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार बहुकोणीय जरूर मुकाबला बनाया गया जेजेपी की तरफ से, बसपा की तरफ से, तो आखिर ये मुकाबला जनता को कितना प्रोत्साहित कर रहा है और जनता के बीच इस मुकाबले को लेकर क्या कुछ? जी देखिए, यहाँ बहुकोणीय नहीं है, यहाँ त्रिकोणीय ही मुकाबला चल रहा है। जैसे इनेलो बसपा का गठबंधन है, कांग्रेस है, भाजपा का, तो बिल्कुल जनाधार नहीं है। यहाँ सिरसा में तो उनका कैंडिडेट उतारा था, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया जी, और देखा जाए तो सीधा सीधा कांग्रेस और हलोपा पार्टी से गोपाल गांडा का टक्कर रहेगी सिरसा में। बिल्कुल, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? जी प्रशासन की तरफ से मतदान केंद्रों पे विकलांगों के लिए व्हीलचेयर का प्रबंध किया गया है, पानी के लिए, पानी यानी कि पीने के लिए पूरे कैंपर लगाए गए हैं, हर तरह से मतदान और भारी सुरक्षा लगाई गई है। बहुत शुक्रिया कश्मीर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हरियाणा का चुनावी दंगल इस बार बेहद दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सरकार बनाने का ताल ठोका जा रहा है। आपको अहम तस्वीरें, हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। कुमारी सैलजा हैं तस्वीरों में, जिन्होंने मतदान देने के बाद, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की, पत्रकारों से बातचीत की, और उन्होंने कहा कि ये मुकाबला बेहद एक तरफा है, एक तरफा मुकाबला है, कांग्रेस की ही जीत होगी। इतना ही नहीं, जब क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री फेस पर कांग्रेस में लगातार घमासान, और ऐसे में जब उनसे सवाल पूछा गया कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि आलाकमान के द्वारा ही ये निर्णय लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा है कि राहुल ओबीसी की हितेशी का सिर्फ दिखावा करते हैं।
गांधी समुदाय की कितनी आबादी है, लेकिन कांग्रेस के तीन मुख्य पदों पर एक भी गांधी परिवार के लोग बैठे हैं। राहुल गांधी चाहते तो नेता विपक्ष का पद किसी ओबीसी को दे सकते थे, उन्होंने ओबीसी समाज के साथ धोखा किया है। ओबीसी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाएगा, लेकिन खुद ही बन गया। उन्होंने पूरा कैंपेन में बोला कि जितना जितना जिसका हक इतना ही चलेगा, तो गांधी का हक कितना है? वो तो हक से ज्यादा ले लिया। अपना परिवार का तीन तीन सदस्यों को कांग्रेस में बड़ा बड़ा पोस्ट देके रखा है, समाज में गांधी का परसेंटेज कितना है? तो इसीलिए राहुल गांधी का जो 100 दिन एलओपी का जो कार्यकाल है, देश का ओबीसी समाज को यह धोखा है, वो पोस्ट कोई ओबीसी को मिलना चाहिए। तो वही मथुरा में डेंगू के मरीजों की संख्या एक दर्जन से अधिक पहुंच गई है। बारिश के बाद जिले में डेंगू के मरीज मिलने शुरू हो गए। बारिश से जगह जगह जल भराव और गंदगी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इसी के चलते डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। पोर्टल पर लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या अपडेट की जा रही है। वहीं दूसरी ओर लोगों को बुखार, सर्दी, जुकाम के चलते जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। डेंगू के डंक को लेकर मथुरा संवाददाता मोहम्मद फारूक ने महर्षि दयानंद जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुकुंद बंसल से बात कर स्थिति का जायजा लिया। मथुरा में डेंगू का डंक जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मथुरा के अंदर अभी पूरे जनपद में कई मरीज डेंगू के आ चुके हैं। आइए अभी हम बात करते हैं, डेंगू की क्या स्थिति है आपकी? देखो मैं बताऊं, डेंगू के बारे में अभी ऐसा जनपद वासियों को हम आपके माध्यम से कहेंगे, ना तो ऐसी कोई पैनिक फैलने की जरूरत है और केवल प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो कुछ समय और डेंगू के मरीज मिल सकते हैं। बारिश का सीजन अभी अभी चल ही रहा है या खत्म होने को है, तो प्रिकॉशन के रूप में केवल इतना ही है कि अब कूलर और ये सब साफ करके सुखा कर रख दें, इसमें पानी वानी जितना है वो सब निकाल दें और उनको सुखा दें, और गमलों में भी पानी जो है वो नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा जो है वो फुल कपड़े जो है वो पूरी आस्तीन के कपड़े पहन के रहना चाहिए। जहाँ तक डेंगू के मरीज जो मिल रहे हैं वो कुल 10-12 मरीज अभी तक जनपद में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको ना तो रेफर करने की जरूरत पड़ी है। बस कल तक हमारे यहाँ 2 मरीज भर्ती थे, वो भी ठीक होकर जा चुके हैं। सब मैं यही जानकारी आपसे बचाऊंगा कि मरीजों की जो संख्या है वो पहले की अपेक्षा कितनी बढ़ गई? मरीजों की संख्या पहले से 15-20% बढ़ी है, मगर वो डेंगू के मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी। इस समय जो वायरल सीजन चलता है, खांसी, कोल्ड और बुखार का सीजन चलता है, जनरली वो 6-7 दिन के लिए रहता है और साधारण दवाइयों से और जांचों से मरीज ठीक हो जाते हैं, तो बुखार और खांसी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ी है। एक चीज और देखने को डॉक्टर मिलती है कि जो आपके यहाँ ब्लड बैंक है, उस ब्लड बैंक में जो प्लेटलेट्स होती हैं, वो प्लेटलेट्स की सुविधा, जैसे किसी की प्लेटलेट ज्यादा गिर रही हैं तो उनको प्लेटलेट चढ़ानी पड़ती हैं, तो वो प्लेटलेट की सुविधा आपके यहाँ से कितने लोगों को एक समय में दी जा सकती है? हाँ, उसकी मैं आपको बताऊं, जब 2 साल पहले जनपद में डेंगू थोड़ा सा ज्यादा पैर पसरे थे, डेंगू के गंभीर रूप से डेंगू जो है वो 2 साल पहले जनपद में देखा गया था, तब जिला अस्पताल से जितने मरीजों के लिए प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ी पूरी आपूर्ति की गई, और आज भी हमारे यहाँ हर ग्रुप की प्लेटलेट्स उपलब्ध है। जब आवश्यकता पड़ेगी, जितने मरीजों के लिए आवश्यकता पड़ेगी, ब्लड बैंक 24 घंटे हमारा एक्टिव रहता है और चालू रहता है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इंडिया वॉइस से बात करने के लिए। वही खबर बिजनौर से है, जहां मॉर्निंग वॉक पर गए निजी डॉक्टर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से डॉक्टर नौशाद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। डॉक्टर के मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर के थाना रेहर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 पर यह हादसा हुआ। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डॉक्टर नौशाद मॉर्निंग वॉक पर निकले थे जब यह हादसा हुआ। एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हालांकि अफरा तफरी में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। हालांकि अस्पताल में स्थानियों के द्वारा उन्हें ले जाया जाता है जहां पर डॉक्टर के द्वारा उन्हें मृत घोषित किया जाता है। मॉर्निंग वॉक पर नौशाद निकले थे जब एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। तो इसी के साथ मॉर्निंग वॉइस में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।